हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह भूलभुलैया 3 मूवी अनाउंसमेंट। कार्तिक आर्यन है, जो पहले था वही है, मतलब सेकंड मतलब जो था बंदा वही है। तो देखते हैं अनाउंसमेंट में क्या दिया है, क्या फ्लेवर लाया, पहले देख लेते हैं फिर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, छोटा सा चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो हम भी ग्रो करें। और स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। अरिजीत सिंह, आइकॉनिक। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। क्रीपी। अरे भाई भाई भाई, रू विटनेस दिवाली 2024। अच्छा दिवाली 2024 है तो मैं भी खुश हो गया, मतलब इसी साल आ रहा है। 2024 है तो मतलब लेट है, मतलब ये और लंबा खींचने वाला है। मैंने भूलभुलैया 2 नहीं देखा हुआ है, अक्षय वाला ही देखा हुआ है, तो भूलभुलैया 2 फिर देखना पड़ेगा क्योंकि ये लग रहा है और लंबा खींचने वाला है। तो मतलब इसको लंबा ले जाने का सोच है, जो डायरेक्टर है, जो भी प्रोड्यूसर लोग हैं, सब लोगों को अभी दिमाग में यही चल रहा है कि इसको लंबा ले जाए, जो अच्छा बात है, जो लिटरली अच्छा है। लेकिन अभी स्टोरी के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने भूलभुलैया 2 देखा नहीं तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने भी नहीं वाला हूँ। लेकिन जितना भी मुझे अभी भूलभुलैया 3 में फील आया, अभी तो अनाउंसमेंट है, क्या बोले, कुछ ज़्यादा बोलने से है नहीं, बस अनाउंसमेंट ही है। लेकिन जब टीजर आएगा तब हम डिटेलिंग में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी मैं मूवी भी देख लेता हूँ ताकि टीजर और ट्रेलर में थोड़ा सा अच्छे से मेरे को समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है या फिर क्या लग रहा है टीजर या फिर ट्रेलर से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। जय हिंद एंड गुड बाय।